हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कभी सतगुरु लोक उजागर। देखा मैं जीत गया। देखा मैंने कहा था ना कि मैं ही जीतूंगा। माँ जीत तो आपकी हुई नहीं, फिर भी आप इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि मेरे लिए प्रतियोगिता का उद्देश्य मात्र प्रतियोगिता जीतना नहीं था। तो फिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मुझे मेरे अपनों के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर मिला और उसी से मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है। तो क्या माँ किसी भी प्रतियोगिता में जीतना आवश्यक नहीं है? प्रतियोगिता में जीतना अति आवश्यक है पुत्र, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति, जिसके लिए हमें भरपूर परिश्रम करना चाहिए। और फिर यदि प्रतियोगिता में जीत गए तो अति उत्तम, किंतु यदि किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ जाए तो हौसला नहीं खोना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए माँ? हमें उस हार से शिक्षा लेकर अपनी कमियों को दूर करने का अथक प्रयास करना चाहिए और पुनः दुगने उत्साह के साथ खेल के मैदान में उतरकर प्रतियोगिता में जीत कर दिखाना चाहिए। और हाँ, हमें ना तो कभी अपने विजय का अहंकार करना चाहिए और ना ही अपने हार के सामने हार माननी चाहिए। तो अब बताओ कल प्रतियोगिता में जाकर क्या करोगे? मारुति कल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगा और खेल का आनंद भी उठाएगा। हे प्रभु, मेरे परिवार की प्रसन्नता को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। कब सुबह होगी और कब वो महंतम केसरी पुत्र को यहाँ मेरे पास लेकर आएगा? आजा केसरी नंदन, मेरे आनंद धन। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्मरण है ना सखा, कल प्रतियोगिता है, कल प्रातः होते ही मुझे उठा देना। और स्मरण रखना सखा, भूलना नहीं।
मेरा प्रिय पुत्र, जागते हुए अपनी नटखट बातों और चेष्टाओं से मेरा मन मोहता रहता है। और अब निद्रा देवी की गोद में विश्राम करते हुए भी कैसे अपनी मोहिनी मुस्कान से मेरे हृदय के शांत सागर में हलचल पैदा कर रहा है। प्रिय, अपने सोते हुए पुत्र से क्या बात कर रही हो? प्रिय, जागते हुए ये नटखट इतना अवसर ही कहां देता है कि मैं इसे जी भर के निहार सकूं। किंतु तुम ही तो मुझे समझाती हो कि सोते हुए संतान को निहारने से माता पिता की दृष्टि लगने का भय होता है। ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, अन्यथा मुझे भी तुम्हें प्रेम लोरी सुनाकर सुलाना पड़ेगा। और यदि आपकी लोरी सुनकर हमारे पुत्र की निद्रा टूट गई तो? आपकी प्रेम लोरी सुनना तो दूर की बात, हमें शांति से सोने भी नहीं देगा। अंजने, ये विचित्र ध्वनि कैसी? अंजना भी कक्ष में नहीं है, कहां चली गई? Thank you.
प्रिय अर्धरात्रि में ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया प्रिय जो हम पिता पुत्र को ये क्या लिखा है प्रिय ये मेरी उन कामनाओं की सूची है जो मैंने हमारे पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सोचा है हमारा पुत्र जो भगवान शिव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है मारुति के अद्भुत चमत्कारों के हमारे साथ समस्त सुमेरु वासी भी साक्षी हैं उसके उज्जवल भविष्य पर तुम्हें संदेह है प्रिय नहीं आर्यपुत्र मुझे अपने पुत्र की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं किंतु मैं मां के हृदय को कैसे समझाऊं देखूं तो क्या लिखा है तुमने मारुति को अतिशीघ्र अन्न प्राशन कराना और उसे उसका प्रिय फल सेव अवश्य खिलाना प्राणियों का आचार विचार भावना आकांक्षा और अंतरात्मा पर उनके द्वारा खाए जाने वाले अन्न का अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है इसीलिए संपूर्ण विधि विधान से अन्नप्राशन संस्कार कराने से हमारे पुत्र के मुख में जाने वाला अन्न का प्रत्येक दाना परिश्रम से अर्जित और प्रेम पूर्वक पकाया होगा साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी परिपूर्ण होगा मारुति के लिए तुम्हारी कामनाएं प्रशंसा योग्य हैं किंतु ये उसके बीच में सेब कहां से आ गया आपको स्मरण नहीं आर्य पुत्र जन्म के दूसरे दिन ही मारुति सेब को देखकर कितना उतावला हो गया था नहीं 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 अभी नहीं सत्य कहा प्रिय किंतु मैं जब मारुति को जब उसका प्रिय फल सेब खाने के लिए रोकता हूं ना तो मेरा हृदय भी दुखता है मारुति का उपनयन संस्कार करवाना हां शास्त्रों में विदित है शिशु का पहला जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात मां के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव शेष रहता है यज्ञोपवीत संस्कार शिशु के अच्छे संस्कारों के प्रभाव को स्थायी करने में सहायता करता है और ये संतान के लिए अत्यंत शुभ होता है यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही संतान शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनती है क्या हुआ आर्यपुत्र क्या सोच रहे हैं मैं सोच रहा हूं कि पिता होने के नाते मैं अपने पुत्र के बारे में ये सब क्यों नहीं सोच पाया Ha ha ha!
मारुति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम गुरु के पास भेजना, फिर तो निश्चित ही तुमने सर्वोत्तम गुरु का चयन कर लिया होगा। कौन है वो गुरु? जो प्रत्यक्ष देव है, जो सर्वव्यापी है, जिनके प्रकाश के बिना जीवन चक्र रुक जाता है, प्राणियों को मोक्ष देने वाले स्वयं भगवान सूर्य, उनसे उत्तम गुरु हमारे पुत्र के लिए और कौन हो सकता है? अति सुंदर प्रिय, इसी कारण भगवान शिव ने अपने अंश को तुम्हारे गर्व में प्रकट किया। मुझे तुम पर गर्व है प्रिय। मैं इतनी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ आर्यपुत्र। भोले शंकर ने यदि मुझे मारुति की माँ होने का सौभाग्य दिया है, तो आपको भी तो मारुति के पिता होने का अधिकार दिया है। सो तो है, मारुति को भगवान विष्णु के अवतारों और श्रीराम की कथा सुनाना, ताकि बाल्यावस्था से ही मारुति की ईश्वर भक्ति के प्रति रुचि जागे। भगवान विष्णु की कथा तो ठीक है, परंतु श्री राम की कथा? स्मरण कीजिए, गौरी और उनके गैया ने राम नाम से संबंधित प्रश्न के उपरांत हमें क्या बताया था? भगवान भोलेनाथ के इच्छानुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। किंतु प्रिय, क्या तुम्हें ज्ञात है कि श्री राम कौन है और उनकी कथा क्या है? हमारे पुत्र के उज्जवल और मंगलमय भविष्य के लिए हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा कि श्री राम कौन है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। पिताश्री, हमारे पुत्र के लिए तुम्हारी पांचवी कामना क्या है प्रिय? ऐसे क्या देख रही हो प्रिय? मेरी पांचवी कामना ये है आर्यपुत्र, कि जैसे आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर मुझे मारुति की माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया, अपना पितृ ऋण चुकाया है, ठीक वैसे ही पुत्र मारुति भी सही समय आने पर विवाह बंधन में बंध कर अपना पितृ ऋण चुकाए और हमारी वंश बेल को आगे बढ़ाए। We'll be right back.
पिताश्री। मारुति ने आपको हर स्थान पर ढूंढा और आप यहाँ हैं प्रभु के घर पे। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। आपकी वार्तालाप से प्रभु के नींद में विघ्न पड़ रहा होगा। चलिए ना माँ, आपके यहाँ रहने से प्रभु के और मारुति की निंद्रा में विघ्न पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं सचमुच धर्म के मार्ग से भटक तो नहीं गया? माता, माता। महानतम वाली को धर्म सत्मार्ग सत्य जैसे दुर्बल विचार शोभा नहीं देते। धर्म प्राणी को भयभीत करने का माध्यम है। सद्मार्ग की खोज वो करते हैं जिनके जीवन में कोई महान लक्ष्य नहीं होता। सत्य की बैसाखी का सहारा वो लेते हैं जिन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं होता। महानतम वाले जिस मार्ग पर चल रहे थे वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है। किंतु यदि सचमुच उस मरकट का जन्म भोलेनाथ की कृपा से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है तो? इस संसार में प्रत्येक जीव किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है।
क्या महानतम वाली अपने उद्देश्य को भूल गया है? स्मरण करो, महानतम वाली की जीवन का उद्देश्य क्या है? स्मरण करो, स्मरण करो। इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है, और हां, ये मेरी चुनौती है। क्या कुछ स्मरण आया? सर्वश्रेष्ठ योद्धा वाली, महानतम योद्धा वाली, कभी किसी से पराजित ना होने वाला वाली, तो फिर अपने दुर्बल विचारों को अभी इसी क्षण त्याग दो और पूरा करो अपने महानतम योद्धा बनने का लक्ष्य। तो चलो आगे बढ़ो और मिटा दो अपनी राह में आने वाली हर बाधा को। मैं महानतम था, मैं महानतम हूं और मैं महानतम रहूंगा, और संसार सदा मुझे इसी नाम से जानेगा। मैं महानतम, महानतम वाली। वाली देवराज इंद्र का अंशावतार होकर भी इतना बड़ा दुष्ट कैसे हो गया? पर किष्किंधा नरेश ऋक्षराज से वाली और सुग्रीव का क्या संबंध है, और वे दोनों भाई कैसे हुए? किष्किंधा नरेश ऋक्षराज से वाली और सुग्रीव का नाता जितना विचित्र था, उतनी ही विचित्र है इन दोनों भाइयों के जन्म की कथा। वस्तुतः ऋक्षराज ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से एक है। विवाह के कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी जब ऋक्षराज और उनकी पत्नी बिरजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तब शोक से भरे ऋक्षराज को ब्रह्मदेव ने अपने द्वारा प्राप्त एक अद्भुत झील के विषय में बताते हुए कहा कि हिमालय के उत्तर में मेरे द्वारा वरदान प्राप्त एक अद्भुत झील है। उस झील की विशेषता यह है कि उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर जो भी इच्छा की जाए तो अवश्य वो इच्छा तत्क्षण पूरी हो जाती है, किंतु स्मरण रहे, भूल कर भी उस झील के जल का स्पर्श नहीं करे। मुझे भी सूर्य देव और इंद्रदेव जैसे प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त उस अद्भुत झील को देखकर ऋक्षराज अपने पिता की दी हुई चेतावनी को स्मरण ना रख सके और एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। मैं इंद्रदेव, झील को मिले वरदान वश मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ ऋक्षराज। प्रभु, क्या मुझे आजीवन इसी नारी के रूप में रहना होगा? ऋक्षराज, तुम और मैं तो निमित्त मात्र हैं,
यह एक दैवी लीला है, परंतु इसका समाधान भी है। चिंतित मत हो, अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात पूर्णमासी के दिन इस झील के जल को पुनः छूने से तुम्हें अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारा यह पुत्र वाली के नाम से प्रसिद्ध होगा। वाली? अभी तो तुम्हारी अर्ध इच्छा ही पूरी हुई। मैं सूर्यदेव तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु प्रस्तुत हूँ। झील में देखकर तुमने मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र पाने की कामना की थी। अपने हाथ आगे बढ़ा। तुम्हारा ये पुत्र सुग्रीव के नाम से प्रसिद्ध होगा। सुग्रीव? वाली तो देवराज इंद्र के पुत्र थे, तो देवराज अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं? माता पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दे। अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा आचार विचार, अच्छा आहार व्यवहार, ये सब माता पिता का उत्तरदायित्व है। परंतु संतान अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। प्रतियोगिता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो महागौरी, प्रभाते कर दर्शनम्। Thank you.
आएगा आनंद। अब देखना मारुति क्या करता है। आनंद आएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सतगुरु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे इसमें तो जल है ही नहीं, अब मारुति क्या करेगा। मारुति को तो भरने के पश्चात अत्यंत विलंब हो जाएगा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। पुत्र मारुति प्रातः उठते कहाँ चला गया। महानतम वाली के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा शस्त्र श्रेष्ठ रहेगा। श्रेष्ठ गदा ही सही रहेगी। अब आएगा केसरी नंदन मेरे अमोद वन।